हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लोग सब जानते ही हैं कि बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते हुँ? मगर कभी कभी जब हम सड़क पे देखते हैं कि लावारिस बच्चे घूम रहे हैं तो दिल भर आता है। ये उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो किसी तरह से किस्मत के खेल में फंस गए हैं। कहने का मतलब है कि कोई नजर घुमाकर उनकी तरफ देखता भी नहीं है। मगर एक लेडी जो अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, उसने अचानक देखा कि एक छोटी सी बच्ची सड़क पे खड़ी रो रही थी। उस बच्चे को देखते वो समझ गई थी कि वो अच्छे भले घर की है। उसने कुछ पूछने की कोशिश की पर वो बच्ची कुछ बोली ही नहीं। कौन हो तुम? किसके साथ आई हो? देखो डरो मत, बताओ मुझे। अरे अच्छा, अपना नाम बताओ। उसे जबरदस्त सदमा लगा था, उसने कुछ भयानक होते हुए देखा था। बच्ची ने क्या देखा था? वो किसकी बच्ची थी? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? और सबसे बड़ी बात, वो सड़क पे घूम कब से रही थी? ये सब जानने के लिए आप ये एपिसोड देखिए। और वो जींस वगैरह अच्छी हैं? हाँ मम्मी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? किसके साथ आई हो? देखो डरो मत, बताओ मुझे। अरे अच्छा, अपना नाम बताओ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ मुझे, लाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। CID इंस्पेक्टर दया? अरे दया, ये तो वही वाला इंटरव्यू चल रहा है। तो ये है वो। ये कौन सा इंटरव्यू चल रहा है भाई? कुछ नहीं, वो ब्यूरो में कैंटीन खुलने वाली है ना, उसके नए इंचार्ज है ये। कैंटीन अभी तक खुली भी नहीं और इंचार्ज भी आ गई? हाँ हाँ, वैसे जो जो डिशेस तुम्हें खानी है उसकी लिस्ट अभी से बनवा लो। जो चाहिए वो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, हमारी कैंटीन है। फिर ठीक है। अच्छा इनसे मिलो, ये कावेरी, याद से CID ज्वाइन कर रही है। हमें पहले से ही मालूम है सर, थैंक्स। कावेरी जी, खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए। हाँ खाना तो एकदम टेस्टी होना चाहिए। गुलाब जाम, रसमलाई, चॉकलेट पेस्ट्रीज, मिल्क शेक, ये सब भी बीच बीच में मिल जाना तो बहुत ही अच्छा होगा। शुगर थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। मेरी डाइटिंग चल रही है। तुम्हारी डाइटिंग मैं करवाऊंगा प्रेडिक्स। सर वो मैं कर लूंगा सर, आप चिंता मत करो। एक बार मैंने बोल दिया ना तो समझो हो गया। फ्रेडरिक्स सर, आप परेशान मत होइए सर, मेरी लिस्ट तो छोटी है सर, है ना? तुम्हारे लिस्ट में ऐसे की तैसी फ्रेडरिक्स, ये कोई कैंटीन मैनेजर नहीं है, समझे? ये हमारी नई CID ऑफिसर है, कावेरी। कावेरी क्या नाम है इसका फ्रेडरिक? कावेरी। नमस्ते। हेलो कावेरी। हेलो सर। एंड प्लीज डोंट वरी, मैं आपको वो सब लाके दूंगी, आपके गुलाब जामुन, रसगुल्लास, चाइनीज, व्हाटएवर यू से। हाँ विवेक बोलो। अच्छा हाँ हाँ, वो अंदर भेजो। या क्या हुआ था सर? बाहर एक लेडी मुझसे मिलने आई है रिसेप्शन पे। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो कह रही है कि मेरी बेटी को साथ ले आई है। क्या? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया,
मुझे इंस्पेक्टर दया से मिलना है। कहिए, मैं दया हूँ। जी, ये बच्ची मुझे सड़क पर मिली है, बहुत रो रही थी इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बता भी नहीं रही है कि ये कौन है। ओ, आपने बहुत अच्छा काम किया, पर आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? जी, मुझे इसके हाथ से ये नोट मिला है। नोट? मेरे नाम का नोट? देखो। पर सर, मैं तो इस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ। दया, ये चक्कर क्या है फिर? तुम्हारा ही नाम लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या है? ये एक मिनट बेटा, अंकल कुछ नहीं करेंगे। खून सर, खून लगा है। खून? कावेरी जी। सर देखो जरा बच्ची को। यस। देखो कोई चोट बूट आई है क्या? जी मैं जा सकती हूँ सर। ये बच्ची आपको कहाँ मिली? जी, ये मुझे लोखंडवाला क्रॉस रोड पर बैठी मिली थी, बहुत रो रही थी और मुझसे देखा नहीं गया तो मैं इसे यहाँ ले आई। आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। विवेक, जरा मैडम को बाहर छोड़ो और इनके लिए कार का बंदोबस्त करो। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। आइए। या इस तरफ। सर, इसे कोई छोटी मोटी सी चोट लगी है पर खून कहीं से नहीं निकला है। अच्छा, तो फिर ये खून आया कहाँ से? सबसे पहले इस लड़की का नाम और पता मालूम करना पड़ेगा सर। पेडिक्स, जरा देखो मिसिंग रिपोर्ट में किसी छोटी बच्चे के गायब होने की खबर है क्या? यस सर, अभी देखता हूँ। दया, समझ में नहीं आता इसमें तुम्हारा ही नाम क्यों लिखा है। सर अब मुझे नहीं मालूम सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची तुम्हारे घर के पास रहती हो, तुम्हें पहचानती हो? नहीं सर, मेरे घर के आसपास के सभी बच्चों को जानता हूँ मैं। नहीं सर, किसी भी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। गड़बड़ है सर, रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है और ड्रेस पे खून लगा हुआ है। लेकिन इसकी ड्रेस को देख के लगता है ये अच्छे घर की है। हाँ, एक काम करो कावेरी, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। जी, कम बेबी, चलो। मुझे लगता है कि ये लड़की सिर्फ तुमको ही पहचानती है। तुम भी कावेरी के साथ चले जाओ। पर ये बच्ची मुझे जानती कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूं दया, कि ये बच्ची तुम्हें जानती कैसे है। ये तो मैं नहीं जानता बॉस, लेकिन एक बुरी खबर जरूर देना चाहता हूँ। यार सारू के, तुम बुरी खबर किसे और देते भी क्या हो? ये खबर बहुत जरूरी है। अरे तो फिर उगल दो। ये जो खून हमें इस लड़की के कपड़ों में मिला है, ये इस लड़की का नहीं है। ये तो हमें पहले से ही मालूम है, कुछ नया बताओ सालूकी। ये खून इस लड़की की माँ का है। क्या? अरे वाह तारिका, तुम्हारे बाल तो एकदम सिल्क जैसे चमक रहे। वो एक्चुअली मैंने अपने बालों पे तेल लगाया। वो होली आ रही है ना, तो दिल खोल कर एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन बालों को नहीं खराब करना चाहती, तो मैंने सोचा तेल लगा लूं। डॉक्टर तारिका, वो बच्ची के जूतों में कुछ लगा हुआ था, हम उसकी बात कर रहे थे। आप ही बीच में होली कहां से ले आई? सर, इस बच्चे के जूते में कुछ मिट्टी लगी हुई थी, ये देखिए। जब मिट्टी जूतों में लगी तब गीली होगी, तभी तो इतनी चिपकी है। क्या मिला मिट्टी में से? ये मिट्टी नहीं है सर, ये खाद है, कांडोर खाद। सर ये नाम तो सुना हुआ लगता है। फ्रेडरिक, ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये खाद है, वर्मी पोस, जो मिट्टी के कीड़ों से बनाई जाती है और अक्सर फूलों के प्लांट्स में डाली जाती है। आप देखिए। सारंगी, इसमें तो कीड़े चल रहे हैं। इसका मतलब ये लड़की 4 या 5 घंटे पहले किसी ऐसी जगह से होकर के आई है जहां पर ये खाद थी। मगर ऐसी जगह शहर के बीचों बीच में कहां होगी? यहाँ तो कोई खेती वेती होती नहीं। बस या तो ये लड़की किसी पार्क में से होकर के आई है या फिर किसी नर्सरी में से होकर के आई है। नर्सरी? हाँ, वहीं पर मिल सकती है ऐसी खाद। अभिजीत, ये बच्ची छोटी है इसलिए ज्यादा दूर तक चल नहीं सकती, और ये मिली है लोखंडवाला में, इसका मतलब है ये नर्सरी लोखंडवाला के आसपास ही होनी चाहिए। पता करो। हाँ साहब,
इस लड़की को दो रोज पहले यहाँ पर देखा था। क्या बात है बेटी, आपसे किसी ने कुछ कहा? ये बच्ची यहाँ कर क्या रही थी? कोई था इसके साथ में और? नहीं साहब, इसके साथ कोई भी नहीं था, अकेली थी ये। मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा कि एक छोटी बच्ची यहाँ नर्सरी में अकेली क्या कर रही है। इसके पहले कभी देखा था इसे यहाँ पे? नहीं साहब, पहले तो कभी नहीं देखा। ये नर्सरी के अंदर आई कहाँ से? गेट पे किसी ने रोका नहीं था इसे क्या? ये गेट से अंदर नहीं आई। ये बच्ची गेट से अंदर नहीं आई तो फिर कहाँ से आई होगी? बेटा क्या तुम्हें याद है तुम कहाँ से अंदर आई थी? वो नर्सरी के पीछे की दीवार टूटी हुई है, हो सकता है वो वहीं से अंदर आई हो। नर्सरी के पीछे की दीवार टूटी हुई है, वहाँ आसपास कोई कॉलोनी वगैरह है क्या? नहीं साहब, बस्ती तो नहीं है। हाँ, दो चार घर जरूर पुराने बने हुए हैं। ओह, ये बच्ची छुप छुप के टूटी हुई दीवार से अंदर आई और वहीं से भाग गए। हो सकता है कि यहीं कहीं रहती हो। जी? वो हम लोग। कावेरी तुम ही हैंडल करो। एक्सक्यूज मैम, हम सीआईडी से हैं और आपने इस बेबी को कहीं देखा है? ये तो दिव्या है, बगल वाले घर में रहती है। दया, ये लड़की हमारे पास आती नहीं लेकिन तुम्हारे पास से हटती ही नहीं। लगता है ये लड़की तुम्हें पहले से जानती होगी। मालूम नहीं सर, मैंने तो पहले से कभी देखा नहीं है। क्यों, फिर वही बात, कोई जवाब ही नहीं? लगता है गड़बड़ है सर। हमारे आने से तो ऐसे ही होता है। तोड़ देते हैं दरवाजा। दया, दरवाजा तोड़ दो। चाबी? इसका मतलब है हम सही जगह पर आ गए। ये घर इस बच्ची का ही है। सब पता चल गया, इस लड़की का नाम दिव्या है और ये वाला घर इसी का है सर, ये यहीं पे रहती है। दिव्या? पर कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा सर, कोई अंदर है भी कि नहीं? दया, एकदम से पीछे मत देखना, वहां गाड़ी में एक लड़की बैठे जो हमें बहुत देर से वॉच कर रही है। वो कौन सकती है सर? मालूम नहीं कौन है लेकिन दो तीन दिन से मुझे लग रहा है कि कोई हमें वॉच कर रहा है। ये तो भाग गई। हाँ, कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे ये है कौन। दरवाजा खोलो अभिजीत। कितनी गंदी स्मेल है, लगता है कोई कचरे का डब्बा काफी दिन से यहीं पड़ा है। कचरे का डिब्बा नहीं है, लाश की स्मेल है। 24 घंटे से ज्यादा हुए आदमी को मरे हुए। सर, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था, इसका मतलब मौत या तो नींद में हुई है या फिर मौत होने के बाद जो भी यहाँ से गया उसने दरवाजा बंद कर लिया। सर, हाँ, अभी मास्क लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी आ। सर, लगता है स्मेल वहां से आ रही है। दया, सर, ये सब कुछ बच्ची के सामने ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, मैं इसे बाहर लेके जाता हूँ। हाँ। ये दिव्या के साथ मुरिजा, मतलब क्या बात है, तुम जानते हो इसे? हाँ, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। मतलब ये घर मुरिजा का है? कहीं ये लाश मुरिजा की तो नहीं? दे, वो हम लोग देख लेंगे, तुम बाहर ही जाओ। पर अभिजीत, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी क्लोज फ्रेंड है। अभिजीत ठीक कह रहा है, तुम दिव्या को लेकर बाहर बैठो, जाओ। मम्मी, देखो वो देखो। अरे नहीं, I can't see this. जिस
तरह से इसे मारा है लगता नहीं ये चोरी डकैती की केस है, क्योंकि अगर चोर मारता तो 3-4 बार मार के इसे छोड़ देता। पर जिसने भी ये किया है उसके सिर पर जुनून सवार था। सर लगता है किसी आदमी के दिल में इसके लिए बहुत नफरत भरी होगी, इसीलिए 1-2 बार नहीं मारा, इसे मारता ही चला गया, मारता ही चला गया। शायद कोई जान पहचान वाला आदमी होगा। सर सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई ड्रामे का सीन बता रहे हो। आपको इस लेडी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? देखो कावेरी, आंसू बहाना तो बाहर जाके फर्श गीला करो, समझी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसू बहाना गलत है, लेकिन उसकी ये जगह नहीं है। हम लोग पत्थर के नहीं, लेकिन हम लोगों के आंसू सूख चुके हैं, थोड़े बहुत ही बचे होंगे। अभिजीत एक बात देखी तुम, यहाँ जहां भी खून पड़ा हुआ है उसमें कहीं भी खूनी के फुटप्रिंट्स नहीं है, पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब है हमें जो सबूत ढूंढना है उसके लिए यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहीं से। विवेक घर चेक करो अच्छी तरह से, जिस चीज से ये करा गया वो जरूर हमें यहीं पर ही मिलेगा। जाओ देखो। सर वो लड़की दिव्या, हाँ, इसकी ड्रेस पर जो खून लगा हुआ है, हाँ, इसका मतलब उसने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। हाँ अभिजीत, कम से कम उसने अटैक होते हुए तो जरूर देखा होगा। अगर सर ये औरत तो चिल्लाई होगी ना, तो आसपास वालों ने देखा कैसे नहीं? वही तो। कावेरी are you all right? Good. अब एक काम करो, इस औरत के नाखून चेक करो, देखो नाखूनों में कुछ फंसा है क्या। देखो अपनी जान बचाने के लिए उसने हाथ पैर तो चलाए होंगे, तो हो सकता है खूनी के स्किन के टुकड़े, चमड़ी के टुकड़े उसके नाखून में फंसे हो। चेक करो अच्छी तरह से, कम ऑन, हरिया हरिया। पास मी द फॉसर। अच्छा हुआ सर दया यहाँ पे नहीं, वो तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सर अभी तो आपने कहा था कि आप सबके आंसू सूख चुके हैं। मैंने ये भी कहा था कि हमारे दिल पत्थर के नहीं है। सर ये पिन मिला है सर, शायद इसी पेन से मोरिसा ने वो मैसेज लिखा होगा दिव्या को दया के पास भेजने के लिए। अभिजीत इतने सालों बाद एक दोस्त से मिलने का चांस मिला था, और वो इस हाल में मिलेगी कभी सोचा नहीं था। कैसे मारा कैसे? कोई बिना धार का हथियार है, शायद लगता झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, बहुत बहुत बुरी तरह से मारा है। मार मार के जान लिया है, ये सब उसी ने किया है। किसने? अमित ने। अमित मुरीजा का हस्बैंड। ये सब शादी होने के 1 साल के अंदर ही उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुरीजा ने मुझे बताया था कि उसने उस पर हाथ उठाया है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम पुलिस ऑफिसर होगे अपने एरिया में, ये मेरा घर है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में दखलंदाजी करने का तुम्हें हक किसने दिया? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुरीजा ने कंप्लेंट नहीं की, वरना मैं तुम्हें समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करता, समझे? हो तो तुम मेरे ही घर में मुझे धमका रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी यूं यूं। दया, दया प्लीज तुम चले जाओ, यहाँ सब ठीक है, दया प्लीज प्लीज तुम जाओ। तुम ऐसे डर डर के इसकी हिम्मत को बढ़ा रही है, समझी? अपना ये चेहरा देख, क्या हालत बना दी है इसने। मैंने तुम्हें फोन पर समझाया था। यहाँ किसी को तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर से जा सकते हो। और मोरिजा ने भी क्या कहा सुन लिया ना तुमने? हाँ दया, मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज तुम चले जाओ प्लीज। दूसरे दिन कोर्ट ऑर्डर लेकर मैं उसके घर पहुंचा, वहां देखा घर खाली पड़ा था, रातों रात उसने अपना घर बदल लिया था। आसपास मैंने पूछने की काफी कोशिश की, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था।
मैं कुछ नहीं कर पाया विजीत, अपने ड्यूटी के चक्कर में मुरीजा को भूल गया। उसने मुझे मैसेज भेजा था शायद ये सोच के कि मैं आके उसे बचा लूंगा, पर यहां पे भी मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। मम्मी ऊपर चले गए, बोलो ना अंकल, मम्मी ऊपर चले गई। मम्मी, रो मत। मम्मी, मैं हूं ना, रो मत। बहुत बुरी तरह से मारा है किसी, फेस और बॉडी पर बार बार वार किए गए, उसी से मौत हुई है ना? लगता यही है। सर, पत्नी के ऊपर अत्याचार के लिए इसके पति को 2 बार फांसी होनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है तारिका, मगर हम इतने इमोशनल नहीं हो सकते। तुम्हें कैसे पता कि उसके पति ने ये किया है? दया का फोन आया था, उसे लगता है ये काम उसके हस्बैंड ने किया। अच्छा हुआ इसकी बेटी दिव्या ने ये सब नहीं देखा। इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है, पागल है क्या वो? ऐसा कैसा जुनून किसी के सर पे सवार हो जाता है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे कावेरी, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है सीआईडी में। कई बार ऐसे जानवर सूट बूट में भी मिलते हैं। वो क्या हुआ, इसके हस्बैंड का कुछ पता चला? नो सर, उसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों नहीं चल रहे हैं और मोबाइल फोन भी बंद है। दया और विवेक वहीं पर है ना इसके घर पे? जिसने भी ये किया है उसका कोई ना कोई निशान तो जरूर मिलेगा वहां पर। ये आदमी अमित जमीन के नीचे भी जाके छुप गया ना, तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सर, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा हमेशा, कोई तो सुराग छुपा होगा यहाँ पे। यहीं पे मिलेगा और कुछ उसके बारे में, इसी घर में। तुमने सुना पेपर की आवाज? हाँ सर, कपड़े में से आई थी। कपड़े में से पेपर की आवाज? इसमें के फॉल में कुछ है। अरे सर, ये तो आपकी न्यूज़ की कटिंग्स है। ओ, इसका मतलब है अमित के डर से मेरे न्यूज़पेपर के कटिंग उसने अपने साड़ी के फॉर्म में छुपा के रखे थे। मगर सर, ये साथ में बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स। दिव्या के नाम पर होम बैंक में पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, मगर ये डिपॉजिट स्लिप्स ऐसे छुपा के रखने का मतलब? मोरिसा अपने अकाउंट में बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और ये अकाउंट भी उसने अपनी बेटी के नाम पर खोला हुआ था, दिव्या के नाम पर। अरे यही तो है वो दिव्या, इसी की फोटो हमारे अकाउंट पर लगी हुई है। ठीक से पता नहीं पर उसकी शादी में शायद कुछ प्रॉब्लम थी, उसने अपने पति से भी नहीं कहा कि उसका इस बैंक में अकाउंट है। पैसे कितने अकाउंट में? पैसा तो चला गया। चला गया मतलब? अभी 2 दिन पहले उसके हस्बैंड आए थे पैसा निकालने के लिए। क्या, अमित यहाँ आया था? दिव्या के अकाउंट से उसने 1,00,000 रुपए निकाले हैं, अब 500-600 रुपए बचे हैं। उसने दिव्या के अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए और आप देखते रहे? आपको मालूम था अकाउंट बेटी के नाम से, फिर भी आपने उसे पैसे ले जाने दिया? देखिए सर, उसके पास मोरिसा का साइन किया हुआ चेक था, मैं पेमेंट रोकता तो कैसे जब मोरिसा ने खुद चेक साइन किया हुआ था। क्या वो चेक हम देख सकते हैं प्लीज? या श्योर। हेलो कुलकर्णी, अकाउंट नंबर 1278 का एक चेक पड़ा होगा जो कि क्लियरेंस के लिए आया था, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। दिव्या और मोरिसा के नाम का चेक है, लेकर आना प्लीज। पर सर, मोरिसा ने चेक पर साइन किया ही क्यों होगा? हाँ देखिए सर, ये है इस अकाउंट का पहला चेक, मैंने खुद सिग्नेचर मैच किया था। ये क्या लग रहा है? खून? खून? हाँ सर,
शायद मुरीजा को मार मार कर चेक पर साइन करवा लिया होगा सर। पहले अपनी वाइफ का खून किया, फिर बैंक में आ गया उसके मेहनत के पैसे चुराने के लिए। बहुत ही हिम्मत वाला आदमी है सर। आपके बैंक में ये क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए, हमें उस दिन के टेप चाहिए। हमें देखना है कि उस दिन यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक मिनट, यहाँ पे रुको जरा। हाँ, यही है वो आदमी, मुरीसा का हस्बैंड, अमित नाम है इसका, और ये अमित इस औरत के साथ यहाँ आया था। कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, ज़ूम करके देखते हैं। ये अमित है? हाँ, ये अमित ही है। नहीं, ये अमित नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, मैं खुद इससे मिला हूँ। मैंने कहा ना, ये आदमी अमित नहीं है। जब से अमित की शादी मुरीजा से हुई तब से जानता हूँ मैं अमित को, ये अमित हो ही नहीं सकता। मतलब सर, मुरीजा का खून उसके पति अमित ने नहीं किया है, किसी ने पैसों की लालच में अमित बनके उसको मार दिया। और सर, अगर ये अमित नहीं है तो फिर अमित है कहाँ? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चक्कर, और अब ये आदमी बीच में टपक पड़ा है। अमित ने नहीं मारा तो फिर मुरीजा का खून किसने किया होगा? पहले हमें इन दोनों को ढूंढना होगा। सर, इस औरत के हाथ में बैग है सर, उस पर क्या लिखा है ठीक तरह से दिख नहीं रहा है सर। किसी दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं सर। SARKANCHE सर, ये तो सरकान केमिस्ट लगता है सर। ये औरत शायद सरकान केमिस्ट की दुकान से कुछ लेके आई है सर। सरकान केमिस्ट, मतलब वो छोटा वाला कैमरा जो बैंक में लगा होता है उससे इतनी अच्छी फोटो आती है। जी हाँ, ये आपके सामने है ना, देख लो ना। आप इस फोटो में मेरी बैग देखकर यहाँ तक पहुँच गए, वाह, मान गए साहब, वाह। ओ भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। सर प्लीज, मैं हैंडल कर सकती हूँ। इस लेडी को पहचानते हो? इस लेडी को पहचानते हो कि नहीं? आप भी सीआईडी में हैं? जी हाँ, ये भी सीआईडी में। और जब इसके दिमाग की आग भड़कती है तो इसका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पहले तोड़ती है फिर पूछती है, समझे तुम? तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। ठीक है, बताता हूँ मैं। जल्दी बताओ। ये जो औरत है ना, ये औरत यहाँ पे 2 दिन पहले आई थी। ये जल गई थी और इसका हाथ भी जला हुआ था, और ये जो कपड़े पहने हुए थी ना, ये फोटो वाली कपड़े पहने हुए थी। तुम जानते हो इस औरत को? नहीं साहब। अच्छा, जब यहाँ आई थी तो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके आई थी क्या? हाँ, लाई थी। और वैसे भी साहब, मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी किसी को दवा नहीं देता हूँ। That's good, very good। चलो अब वो प्रिस्क्रिप्शन देख के बताओ कि उसमें क्या लिखा था। देख के बताता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट, ला रहा हूँ। वाह, कावेरी को देख कर तो ये आदमी तोते की तरह बोलने लगा। ऐसे सवाल पूछने के लिए इसको ही आगे रखना चाहिए। मतलब अब तुम हमेशा पीछे ही खड़े रहोगे? वैसे भी मैं कहां आगे खड़ा रहता हूं सर, फ्रेडी तो छोटे मोटे कामों के लिए है, डिटेक्शन तो बड़े लोग करते है ना सर। डॉक्टर का नाम है मोहन। ये तो आपका ही लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। हम अगर आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उस औरत का नाम नहीं लिखा है, क्यों? जी हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। क्या नाम क्या था उस औरत का? शायद लीला नाम था उसका। लीला? जी हाँ, यही नाम बताया था उसने मुझे। लेकिन सर, जब वो यहाँ क्लिनिक में आई थी तो थोड़ा परेशान लग रही थी। हालांकि मैंने उससे इसका रीजन भी पूछा था कि वो कैसे जली, मगर उसने कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं दिया था। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी, ये मुझसे गलती हुई है। लेकिन सर, एक जला हुआ पेशेंट मेरे सामने था, तो मैं उसका इलाज करता या उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता। और वैसे भी अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो मेरे पूछने पर मुझे पहले ही बता चुकी होती। तो आपने क्या किया? सर, जब मुझे लगा कि वो मुझे कुछ ठीक ठीक नहीं बता पा रही है, तो मैंने उसका जले हुए स्किन का एक पार्ट निकालकर उसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया। लीना को बिना बताए? जी हाँ, अब केस इतना सीरियस था कि मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन सर, जब टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो
मैं हिल गया। क्यों, क्या था रिपोर्ट? सर, जिस हाथ की स्किन को मैंने टेस्ट के लिए लैब में भेजा था, वहां से आप जानते हैं मुझे क्या मिला? वहां से मुझे गन पाउडर मिला, बारूद। जली हुई जगह पे बारूद? जी हाँ। अब आपको ये तो मालूम ही है कि गन पाउडर हाथ पे कब मिलता है। जी हाँ, जब कोई किसी पे गोली चलाता है तो गोली में से निकल के कुछ बारूद हाथ पे रह जाता है। डॉक्टर मोहन, आपको ये बात पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। आपको मालूम है हमें कितनी तकलीफ हो रही है उस औरत को ढूंढने के लिए? उसका एड्रेस वगैरह होगा ना आपके पास? जी हाँ, मैं देता हूँ। सर, डॉक्टर मोहन ने ठीक ही कहा था कि लीला के हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है और वो गन पाउडर यहीं से आया है सर, उसी ने इस आदमी को गोली मारी होगी। देख कहीं है अमित तो नहीं? हाँ सर, ये अमित हो सकता है। लीला उसके हस्बैंड ने से मार दिया और फिर मुरीजा को पीट पीट कर चेक पर साइन करवाया होगा। तुम्हें लगता है ऐसे हुआ होगा? क्या कोई सिर्फ 1,00,000 रुपए के लिए दो दो खून करेगा? अरे दिव्या, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। दिव्या, विवेक, इसे यहाँ क्यों लिया है? बच्चों के सामने ये सब? सर, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है सर। दया से मिलने की जिद कर रखी है। ठीक है दिव्या, देखो बाहर जाके अंकल के साथ बैठो, थोड़ी देर के लिए मैं भी आता हूँ। हाँ फ्रेडरिक्स। इसका तो मुंह ही गायब है सर। हाँ, एक साथ दो दो लाशें? अगर ये लाश अमित की है तो फिर ये कौन है? सर वॉलेट मेरा है। सर, ये तो मुरीदा का पति अमित है सर। क्या, ये अमित है? अरे अभी तक तो हम इसे अमित समझ रहे थे, लेकिन अब अमित वो हो गया। दया, अगर वो अमित है तो फिर ये कौन हो सकता है? पलटो इसे। माय गॉड, ये तो लीला का पति है। ये लीला का पति है? हाँ, ये क्या, यही तो है सर। ये तो, ये आदमी तो बैंक में भी था। एक ही घर में 2 लाशें पड़ी है सर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है? तुम्हें लगता है ऐसे हुआ होगा? दया, और क्या हुआ होगा सर? देखो दया, पहले हमें पता चला कि मुरीसा का किसी ने खून कर दिया है, तो हमने सोचा कि उसके पति ने, मतलब अमित ने उसका खून कर दिया है। मगर अमित की लाश तो यहां पड़ी है। नहीं दया, ये कोई 1,00,000 रुपए का चक्कर नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। और इस सारे पहेली में अभी भी एक नाम गायब है, लीला। सर, लीला भाग गई, और वो भी इतनी जल्दी में भागी कि सारे कपड़े यहीं छोड़ के गई है। अच्छा, और कुछ? सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस खाली हैं। ज्वेलरी ले जाना बहुत आसान था सर, और ज्वेलरी को बेच के पैसे भी मिल सकते हैं। ये ज्वेलरी हमारा आखिरी सहारा है। वो जरूर किसी न किसी ज्वेलर के पास जाकर ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेगी। पता करो। यस सर। यही वो लड़की है, अगर ये यहाँ पे आई तो फौरन सीआईडी को फोन करना, मैं भी आसपास ही रहूंगा। सर, एक बुरके वाली एक ज्वेलरी शॉप में जा रही है, मैं जाके देखती हूँ। कवरी जरा ध्यान से, हमने वहाँ फोटोग्राफ दे रखे है, ठीक है? और ज्यादा हंगामा नहीं करना। यस सर। तो लीला हमारे हाथ से निकल जाएगी। ओके सर। ये लड़की है कौन यार? ये सिर्फ सब ठीक ही कह रहे थे, कोई तो है जो हमारे पे निगाह रखे हुए हैं, पर इसे पता कैसे चलता है कि हम हैं कहां? ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, बस ये ज्वेलरी बची है। इसका कितना पैसा मिलेगा? 32 रुपए पर डे।
32 रुपए पर डे? हाँ, हर रोज 32 रुपए। पर हर रोज क्यों, एक साथ क्यों नहीं? अब ये तो जेलर ही बताएगा। जेलर? तुम कौन हो? दिव्या? हाँ दिव्या, और मैं इसका अंकल सीआईडी इंस्पेक्टर दया। ये दिव्या का अंकल कहाँ से आ गया बीच में? ए, मुझे फंसाने की कोशिश मत करना हा? और अगर मुझे हाथ लगाए ना तो देखना तुम सब लोग। इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। मैं तुम सबको दिखाऊंगी, तू एक औरत पे हाथ डाल रहा है। दो दो फोन करती हो फिर भी इतनी हिम्मत तुम्हारी? तू कौन है? हा? मैं तेरी मौसी। मौसी? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती से। रोलो रोलो और रोलो, फिर शायद सच और अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। रोलो। अमित और मोरिसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अमित मोरिसा को पीटता है ये बात मुझे और मेरे पति को मालूम थी। फिर हमने लालच में आके एक प्लान बनाया। हमने मोरिसा के साथ जबरदस्ती करके कुछ चेक्स पे साइन करवाए और फिर हमने खून किया। तुमने एक कमजोर औरत की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया, तुम लोगों ने सोचा कि अमित फंस जाएगा। हाँ, हमने सोचा था अमित जेल जाएगा और हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन हम जब घर से निकल रहे थे अमित वहां पहुंच गया। हम घबरा गए, अमित को बहुत गुस्सा आया था, उसने मेरे हस्बैंड को गोली मार दी। फिर वो मेरे पीछे आया लेकिन मैंने ही उसे मार दिया। इसमें मेरा हाथ जल गया, पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मैं डर गई और वहां से भाग गई। सुनो, Yes. काम हो गया? वो ज्वेलरी बेच दी तुमने? हाँ, बेच दी। ग्रेट, मुझे मालूम था तुम ये काम कर लोगे। एक घंटे में हम लोग हेगी गार्डन मिलते हैं, वहाँ एक प्री होली पार्टी चल रही है, वहाँ हम लोगों को कोई पहचाने का भी नहीं। ओके। लगता है हमारा भी होली खेलने का टाइम आ गया था यार। होली है। एक घंटे का कह के गई थी, 70 मिनट हो गए। पता नहीं कहां रह गई ये लीला, कहां रह गई? दिव्या, ये यहां कहां से आ गई? ये तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। मुझे इसे रोकना होगा। मुबारक हो। होली? नाम याद है या भूल गए? दया? हाँ, क्या हुआ? शर्म नहीं आती है तुझे? ये तेरी बेटी है और तू इसे भी खत्म करना चाहता है? हा? मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बेटी है? हाँ, आज से ये मेरी बेटी है और आज से कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, तुम भी नहीं। तुम्हारी बेटी है, तुमने इसकी माँ को भी ऐसे खत्म किया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? Thank you.
हाँ, मैंने मोनिशा का खून किया है। लीला और मैं दोनों ही मिले हुए थे। लीला और मैंने, हम दोनों ने मिलकर उसके पति को बैंक जाने के लिए मजबूर कर दिया, 1,00,000 रुपए लाने के लिए। जैसे ही वो बैंक से वापस आया, हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला, उसका कत्ल कर दिया। जी चाहता है तुम्हें यहीं पर गोली मार दूं। कैसे लोग हो तुम? जब चाह पत्नी को मार दिया, जब चाह पति को भी मार दिया। वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें वहां घर में मिली? हमने जिसे अमित समझा, उसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए थे। वो एक ड्रग एडिक्ट था। मुझे रास्ते में किसी कोने में पड़ा हुआ मिला, मैंने उसे उठा लिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा ड्रग्स के लिए, तुम मेरा काम करना। वो मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। ड्रग्स की लालच में उसकी भी जान चली गई। अब वो बेचारा तो मारा गया, अब तेरा क्या होगा? मैं होगा क्या, दोनों को या तो फांसी होगी या फिर जेल। फ्रेडरिक्स, नहीं सर, नहीं। बेटी दिव्या, बेटी मेरी, बेटी प्यारी बेटी, मैं तेरा डैडी हूँ बेटी, मुझे बचा ले बेटी, मुझे बचा ले बेटी, मुझे बचा लो। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं नई सीआईडी ऑफिसर हूँ सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।